हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कॉपर का फ्यूचर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि लास्ट क्लोजिंग जो है तो 816 रुपए पे आई है, लगभग 6 रुपए ऊपर बंद हुआ है, लगभग 1% गेन के साथ कॉपर ऑन फ्राइडे। और मंथली चार्ट पे देखोगे तो हम ऊपर के लेवल से अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं या अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर भी हम जो है तो फॉर मंथ गेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 49 रुपीज़ गेन के साथ, लगभग 6.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मगर ऊपर के लेवल से अच्छे खासे हम ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। इस महीने का जो लो था वो था लगभग 770 और हाई था लगभग 886, तो ऑलरेडी हम 116 रुपये 17 रुपये का रेंज देख चुके हैं और ऊपर से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी देख चुके हैं। मंथली चार्ट पे जो है तो ट्रेंड स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद फिर से हम जो है तो कॉपर में अप ट्रेंड देखेंगे और जो हमारा फाइनल टारगेट था 950 का वो भी आते हुए देख सकते हैं इन लॉन्गर टर्म। मगर यहाँ करेक्शन और कंसोलिडेशन की ज़्यादा संभावना दिख रही है क्योंकि जिस तरह से हम ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुके हैं। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे देखोगे तो लास्ट वीक हमने लगभग 3.5% का लॉस देखा था, लगभग 30 रुपीज़ डाउन बंद हुए थे। इस हफ्ते हम लगभग 1% ऊपर बंद हुए हैं, लगभग 6 रुपए की गेन के साथ। तो यहाँ थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है कॉपर। नीचे के लेवल पे जो मेजर सपोर्ट जोन है वो है लगभग 766 के अराउंड या फिर 770 के अराउंड। तो उस लेवल पे शायद कॉपर आ सकता है और वहाँ से फिर से हमें रिवर्सल देख सकता है, दिखा सकता है। यहाँ जो है तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे अभी तक कॉपर ने उसका पिवोट जो है तो टच नहीं किया है। तो यहाँ शायद लॉन्ग को जो है तो ट्रैप कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी सलाह रहेगी, अगर आपको मीडियम टू लॉन्गर टर्म एंटर करना है कॉपर में तो आपको वेट करना चाहिए लगभग 700 या 720 की रेंज का। उस लेवल पे आता है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि लॉन्ग करना है नहीं, एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो है तो एक डीपर करेक्शन देख सकते हैं। और जिन्होंने भी ऊपर के लेवल पे लॉन्ग किया है उनको ट्रैप करने की कोशिश मार्केट ज़रूर करेगा। तो यहाँ मेरी सलाह रहेगी करंट लेवल पे हम बाइंग की नहीं सोचेंगे, ऑलरेडी अच्छे खासे रिटर्न कॉपर दे चुका है। तो यहाँ करेक्शन और करेक्टिव फेज में अभी चल रहा है, तो यहाँ हम जो है तो शॉर्ट टर्म में शॉर्टिंग के ही मौके ढूंढेंगे। यहाँ बाउंस बैक भी आ सकते हैं मगर उन बाउंस बैक को हम सेल करने के लिए यूज़ करेंगे विद स्टिक स्टॉप लॉस। नीचे 770 और उसके बाद में 720 के मेजर सपोर्ट दिखते हैं वीकली चार्ट में। उन लेवल पे आने के बाद हम रिवाइव करेंगे कि हमें लॉन्ग करना है या फिर मीडियम टर्म लॉन्ग पोजीशन लेनी है या नहीं। करंटली कॉपर जो है तो ऊपर के टारगेट जो अचीव करने के बाद अभी जो है तो करेक्शन फेज में है और एक करेक्शन डीपर भी हो सकता है। तो अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे कि कॉपर ने सभी टारगेट अचीव कर लिए, उसके बाद में सुपर बुलिश भी टारगेट अचीव कर लिए और वहाँ से अच्छा खासा हमने सेल ऑफ भी देखा जो कि प्रॉफिट बुकिंग था। तो यहाँ जो है तो अभी 20 डेज का जो एवरेज है उसके अराउंड उसने सपोर्ट लिया और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो ऊपर के जो टारगेट थे बाउंस बैक के वो लगभग आ चुके हैं। तो यहाँ शॉर्ट टर्म में हमारे जो है तो सेल ऑन राइज भी हो रहेगा। हम जो है तो कॉपर को सेल करने का देखेंगे अराउंड 830-835 के जोन में। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 840 के ऊपर, तो 35 के अराउंड जो है ऑन एन एवरेज सेल करने की कोशिश करेंगे अगर मिलता है कॉपर तो। 40 के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और मुझे लगता है फिर से 800 और नीचे जो है तो 760 के टारगेट कॉपर दिखा सकता है। तो यहाँ मेरी शॉर्ट टर्म में कॉपर पे सेल ऑन राइज भी रहेगा। हम सेल करेंगे उसको 830-835 या फिर 838 रुपए के अराउंड, उन लेवल पे मिलता है तो वहाँ हम थोड़ा सा शॉर्ट पोजिशन बनाते जाएंगे विद द स्टॉप लॉस अब 840 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। और नीचे जो है तो मुझे लगता है कि फिर से हमें 800 और उसके बाद में 760 के लेवल जो है तो कॉपर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दिखा सकता है। तो यहाँ मेरी सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा और वही सलाह रहेगी, मगर आपको बेचना है रेजिस्टेंस के अराउंड और उसका जो रेजिस्टेंस जोन है वो 835 से 840 के बीच में है। तो उन लेवल पे आता है तो ही हम उसमें शॉर्ट एंटर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो है तो ये अभी जो बाउंस बैक है वो कंटिन्यू हो सकता है, वो 835 से 840 तक भी जा सकता है।
तो जिन्हें लॉन्ग पोजीशन लेनी है वो भी ले सकते हैं, मगर आई मोस्टली प्रिफर लॉन्ग पोजीशन ही नहीं, इंट्राडे ओनली, आई विल नॉट कैरी लॉन्ग। तो पोजिशनल लॉन्ग कैरी नहीं करेंगे, पोजिशनल शॉर्ट ही कैरी करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जो है तो एक अच्छा खासा करेक्शन और सेल ऑफ दिख सकता है, या फिर उसको प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए लॉन्गर टर्म, क्योंकि इन्वेस्टर जो है तो प्रॉफिट ऑफ द टेबल कर लेंगे आगे चल के, और नीचे के लेवल आपको शायद कॉपर जो है तो दिखा सकता है 800 टू 760 के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉपर में, और डीपर करेक्शन आता है तो 700 का भी लेवल आपको, 720 का जो मैंने कहा था, आप यहाँ देख सकते हो कि 738 जो है तो इसका 200 डेज का एवरेज है, तो उन लेवल के लिए भी कॉपर जा सकता है अगर एक डीपर सेल ऑफ आया तो ये लेवल भी आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ मेरा सेल ऑन प्राइस व्यू रहेगा। तो हमने डेली चार्ट देखा है, यहाँ जो है तो यहाँ बाउंस बैक चालू है, ये बाउंस बैक 835 840 तक जा सकता है, जिसको यूज़ करेंगे हम सेल करने के लिए। लॉन्ग करेंगे हम सिर्फ इंट्राडे में, शॉर्ट करें हम पोजिशनली शॉर्ट कैरी करेंगे, वो भी शॉर्ट हम रेजिस्टेंस के अराउंड करेंगे। वीकली चार्ट पे भी मुझे लगता है कि सभी टारगेट अच्छे हो चुके हैं, यहाँ सिर्फ एक बाउंस बैक आ रहा है, तो इसको भी आप सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ जो है तो आपको फ्रेश बाइंग करनी है, तो नीचे के लेवल का वेट कीजिए। मंथली चार्ट पे भी ट्रेंड बुलिश है, मगर एक अच्छा खासा करेक्शन करेक्टिव पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ जो है तो नीचे के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉपर में, उन लेवल पे आता है तो आपको बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। 700 के अराउंड जो है, 680 700 के अराउंड एक अच्छा खासा लेवल है, अगर उन लेवल पे कॉपर मिलता है तो लॉन्गर टर्म टारगेट जो है तो 950 का रख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो हमने सभी टाइम फ्रेम देख लिए, उन पे जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी वो भी देख लिए। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो विद लाइव सपोर्ट एंड फॉलोअप, तो आप प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।